नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा और आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम देखा अपना हरियाणा। साथियों, आज बात करेंगे कि भारत की धर्म धरा जहाँ पे हरि ने खुद चरण टिकाए वो स्थान हरियाणा और हरियाणा का एक छोटा सा गांव खजूरी जट्टी। खजूरी जट्टी में अनेक तरह के मंदिर हैं, धार्मिक स्थान बने हुए हैं और हर धर्म में आस्था वाले लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं और निवास करते हैं। साथियों, आज गांव खजूरी जट्टी में झलनिया रोड पर बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर का निर्माण कार्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हरिपुरा धाम से भगत राजेंद्र जी विशेष तौर पर उपस्थित रहे और उन्होंने अपने पवित्र कर कमलों से मंदिर का निर्माण कार्य शुभारंभ करवाया। इस मौके पर गांव खजूरी जट्टी के सरपंच महेंद्र पुनिया, मंदिर कमेटी के प्रधान कृष्ण सूरा, उप प्रधान पृथ्वी सिंह जी जानी सहित गांव के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर इस सेवा कार्य में हिस्सा लिया। आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं, समस्त गांव के युवा, खासकर युवा वर्ग इस सेवा करने को आतुर दिखाई दिया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि गांव में इतना भाईचारा और सौहार्द और प्रेम भाव है कि सभी एक मंच पर एक होकर इस नेक कार्य में एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस अवसर पर गांव के राजमिस्त्री श्री कृष्ण जी सुथार विशेष रूप से सेवा करने को आमंत्रित थे और उन्होंने इस कार्य की भगत राजेंद्र जी के साथ शुरुआत की। जो उनके औजार हैं उनकी पूजा अर्चना की गई और उन्हें पुजारी जी के द्वारा तिलक लगाकर इस कार्य के लिए उत्साहित किया गया। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सभी भगत जनों पर पुष्प वर्षा की गई और माहौल को और खुशनुमा बना दिया। साथियों, जो भी पूजा अर्चना की क्रिया थी वो पूरी की गई। इस उपरांत सभी आए हुए भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया और खासकर आपको बता दूं कि यहाँ पे इस प्रोग्राम से पहले एक हवन का शुभारंभ किया गया। हवन भगत राजेंद्र जी के दिशा निर्देशन में चला और संपूर्ण गांव से आए हुए भक्तों ने उसमें आहुति डाली। साथियों, जब आहुति डाली जा रही थी तो जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने भी अपना योगदान डालते हुए इस भव्य कार्यक्रम को बाबा रामदेव के भजन गाकर और खुशनुमा बना दिया। आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि हवन कुंड है वो कितना भव्य सजाया गया है और संपूर्ण गांव के लोग इसके चारों ओर एकत्रित हैं। साथियों, इसके साथ ही कुछ भक्तों ने दान श्रद्धा सम्मान अपना योगदान दिया। कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।